एबी डी विलियर्स की वापसी पर क्रिकेट साउथ अफ्रीका का ऐलान। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल में धाकड़ तरीके से बैटिंग करने वाले एबी डी विलियर्स को लेकर खबरों का बाजार गर्म था कि वो एक बार फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे और साउथ अफ्रीका के लिए T20 विश्व कप खेलेंगे। लेकिन मंगलवार 18 मई को वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम के ऐलान के साथ ही क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने साफ कह दिया है कि एबी डी का वापसी का कोई इरादा नहीं है। साउथ अफ्रीकी टीम के हेड कोच मार्क बाउचर और टीम के डायरेक्टर ग्रेम स्मिथ ने ऐसा कहा था कि यह सुपरस्टार टीम के साथ वापसी कर सकता है, लेकिन वेस्ट इंडीज और आयरलैंड टूर की टीम में उनका नाम शामिल नहीं हुआ और सारी अफवाहें खत्म हो गई। साउथ अफ्रीकी सिलेक्टर्स ने जिस टीम का ऐलान किया है उसमें एबी डी विलियर्स के लिए कोई जगह नहीं है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने यह साफ कर दिया है कि डिविलियर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं कर पा रहे और उनका रिटायरमेंट का फैसला बरकरार रहेगा। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने एक रिलीज जारी कर डिविलियर्स पर कहा, डिविलियर्स के साथ चर्चा का अंत हो गया है। बल्लेबाज ने संन्यास बरकरार रखने का फैसला लिया है। सीएसए ने आने वाले जून जुलाई दौरों पर वनडे T20 और टेस्ट टीम के ऐलान के साथ डिविलियर्स पर यह फैसला सुनाया। साउथ अफ्रीकी टीम 10 जून से 3 जुलाई के बीच वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट और 5 T20 खेलेगी, जिसके बाद अफ्रीकी खिलाड़ी 11 जुलाई को आयरलैंड में 3 वनडे और 3 T20 की सीरीज खेलने आएंगे। डिविलियर्स साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। उन्होंने अपनी टीम के लिए 114 टेस्ट, 228 वनडे और 78 T20 मैच खेले हैं। वनडे और टेस्ट में उनका औसत 50 से भी पार का है, जबकि T20 क्रिकेट में उन्होंने 10 अर्धशतक जमाई है। 2019 विश्व कप से पहले ही 2018 में अचानक से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर डिविलियर्स ने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन संन्यास के बाद भी वो आईपीएल में जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे थे उसके बाद सभी को ये उम्मीद जागी थी कि वो आखिरी बार ही सही लेकिन विश्व कप में खेलते दिखेंगे। लेकिन सीएसए ने ये साफ कर दिया है कि एबी डी विलियर्स अब हरी जर्सी में खेलते नहीं दिखेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।